हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप JBT या BEd के स्टूडेंट हैं या HTET, CTET, NET जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं। चलिए गणित की भाषा के बारे में डिस्कस करते हैं। गणित की अपनी एक भाषा है जिसको कि हम पहले से जानते पहचानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम संख्याओं का यूज करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। गणितज्ञों और वैज्ञानिकों ने गणित की भाषा को सरल बनाने के लिए कुछ संकेत दिए हैं, कुछ सिंबल्स दिए हैं जिनका कि विशेष अर्थ होता है। इस तरह के संकेतों को समझकर उनका प्रयोग करने से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो मैथमेटिक्स को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। वर्तमान में जो गणित की भाषा का प्रयोग किया जाता है वो नए युग की भाषा है, जिसके कि अधिकतर संकेत केवल 400 या 500 वर्ष ही पुराने हैं, लेकिन जो बीजगणित है वो 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना गणित है। किसी भी भाषा के लिए निम्नलिखित अवयवों की आवश्यकता होती है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए जो कंपोनेंट होते हैं वो है संकेतों या शब्दों का संग्रह, एक व्याकरण जिसमें नियम दिया गया हो कि इन संकेतों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, और इन संकेतों द्वारा प्रसारित अर्थों का एक क्षेत्र, लोगों का एक समुदाय जो इन संकेतों का प्रयोग करता है वह इनको समझता है। ये सभी अवयव गणित की भाषा में पाए जाते हैं। मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए मैथमेटिक्स की भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स में प्रयोग किए जाने वाले सिंबल्स। मोस्टली प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू आदि का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिक्स में चर राशियों या वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। चर राशियां गणितीय भाषा का एक और प्रकार है। ये तब प्रयोग में लाई जाती है जब राशियों अलग अलग मान ले। उदाहरण के तौर पर t=3x, यहाँ पर x का अलग अलग मान लेने पर t का मान भी अलग अलग आएगा, कि जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करेंगे तो t की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। t वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स का भी यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स में ग्रीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक शब्द पाई का प्रयोग 3.14159 के लिए किया जाता है। कुछ और ग्रीक शब्द देखते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा, ईटा, थीटा, आईटा, कैप्पा, लैम्ब्डा, म्यू, न्यू, और भी बहुत सारे ग्रीक शब्द हैं जिनका कि प्रयोग मैथमेटिक्स में किया जाता है। मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि नॉट इक्वल टू का मीनिंग होता है कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मीनिंग होता है कि बायां पक्ष बड़ा है या बराबर है। लेस देन इक्वल टू का मीनिंग होता है कि बायां पक्ष छोटा है या बराबर है। ऐसे ही x की पावर a का अर्थ होता है कि x को a बार गुणा करना। इसी प्रकार 32 डिग्री का मतलब है कि एक कोण जिसका कि माप 32 डिग्री है। इसी प्रकार 32 डिग्री सेल्सियस का अर्थ है एक तापमान जिसका माप 32 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल्स और वर्ड्स का यूज किया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें कि गणितज्ञ और वैज्ञानिक एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करते हैं। भाषा के रूप में गणित के अपने संकेत, शब्द और
वाक्य के नियम हैं जो मान्यताओं के एक निश्चित और सुसंगत समूह पर आधारित है, और ये मान्यताएं नियम एवं तर्कों से बने हैं। इन शब्दों व संकेतों का एक सटीक गणितीय अर्थ होता है, जैसे कि योग, अंतर, जोड़, घात, गुणा, भाग आदि। इस वीडियो में हमने लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस किया। जब आप ये वीडियो देखकर अपनी बुक से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।